टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 40,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बजट के अंदर कोई पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कोई अच्छा सा कैमरा सेटिंग फोन चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे 5 धमाकेदार स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आईकू की तरफ से आने वाले आईकू 9 की। आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिलता है और साथ ही साथ एल्युमिनियम की फ्रेम लगी हुई है और हल्का फुल्का वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के बहुत अच्छे दिए गए हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली 10 बिट की एमोलेड पैनल मिल जाती है। डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए पैंडा ग्लास का सपोर्ट, 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट और 1000 हर्ट्ज की मॉन्स्टर टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है। सो ओवरऑल इस बजट के अंदर आने वाली बेस्ट डिस्प्ले आपको यहां पर दी गई है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, जहां पर आपको जिम्बल OIS का सपोर्ट मिलता है, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर धमाकेदार है। डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंटेलिजेंट चिप भी दिया गया, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर लो लाइट फोटोग्राफी में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और बैक से आपको यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 60 FPS। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ का चिपसेट दिया गया है, जो कि यहाँ पर लगभग 8.5 लाख के आसपास अंततः पर स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। वैसे फोन के अंदर अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर दिया गया है, LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी आपको दिया गया है। फोन के पावर हाउस की बात करें तो फोन के बैक में 4350 mAh की बैटरी लगी हुई है। फोन यहाँ पर 120W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, और ये फोन एंड्रॉइड 12 पर आता है और एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द मिल जाएगा। वैसे ये 3.5 mm का जैक और कोई भी कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलते। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो गेमिंग के लिए अगर स्मार्टफोन आप कंसीडर करना चाहें तो इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 39,990 रुपये। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते आगे और बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों इस बजट के अंदर एक लेटेस्ट और एक एडवांस्ड कैमरा स्मार्टफोन लेना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का V27 Pro। सो दोस्तों ये फोन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और बात करें इस फोन की तो ये फोन पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ है, साथ ही साथ काफी लाइट वेट और स्लिम भी है। सो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल लगी हुई है, जो कि 10 बिट की पैनल है। सो बहुत ही अच्छे एडवांस कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, अप टू 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस, HDR10+ का सर्टिफिकेशन, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट। सो देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छी कर्व एमोलेड पैनल है, और डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफ़ी कमाल की मिलती है। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि OIS के फीचर के साथ में आता है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी स्नैपर भी आपको मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रंट में भी आपको यहाँ पर ड्यूल LED फ्लैश वगैरह मिल जाते हैं, तो देखा जाए तो नाइट पे भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। वैसे आउटपुट की बात करें तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज वगैरह में कोई शिकायत नहीं आती है, नाइट में भी ये फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से अप टू 60 FPS, जहाँ पर दोनों में ही आपको जायरो EIS का फीचर भी दिया गया है। सो कैमरा परफॉर्मेंस दोस्तों फोन की यहाँ पर टॉप नॉच रहती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 8200 का चिपसेट, जो कि बना हुआ है 4nm की फैब्रिकेशन पर। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये अंततः पर लगभग 8.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस के साथ साथ आप यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। चलिए पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 4600 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 66W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन 30 मिनट में लगभग 75% चार्ज हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और साथ ही साथ एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन और 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया।
और हाँ गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये अप टू 7.5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो ये भी अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 37,999 रुपए। इसी के साथ में दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें भाई इस बजट के अंदर टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए। सो आप यहां पर देख सकते हैं वन प्लस का लेटेस्ट लॉन्च वन प्लस 11R। वैसे दोस्तों ये फोन भी आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिलेगा, लेकिन फ्रेम आपको यहां पर प्लास्टिक की दी गई और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है। डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.74 इंचेस की कर्व फ्लूइड एमोलेड पैनल आपको मिल जाती है जो कि 10 बिट के साथ में आती है, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 1450 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो देखा जाएगा इस तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर भी आपको टॉप नॉच मिलती है। चलिए कैमरास की बात करते हैं तो बैक साइड में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे जहां पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और यहां पर भी आपको OIS का फीचर दिया गया है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर आपको मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस दोस्तों फोन की यहां पर बहुत अच्छी है, डे लाइट में आपको फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती है, साथ ही साथ लो लाइट में भी ये फोन थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेता है। वैसे अगर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और बैक कैमरा से आपको यहां पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है अप टू 60 FPS। सो कैमरा परफॉर्मेंस में भी आपको यहां पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 का चिपसेट और दोस्तों यही एक लौता स्मार्टफोन है जो कि आपको अंडर 40,000 रुपीस की प्राइस पर मिलता है। वैसे दोस्तों ये चिपसेट 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर आपको यहां पर दिया गया है और हां गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये 11 लाख के ऊपर का AnTuTu स्कोर भी करता है। सो आप यहां पर तगड़ी लेवल की गेमिंग, तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग जैसे टास्क वगैरह भी बहुत इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR5X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको टॉप नॉच मिलता है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। सो इस फोन के बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, 100 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जहां पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये फोन एंड्रॉइड 13 पर मिलता है। वैसे गाइस यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक और कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन आपको 9 5G बैंड्स के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 39,999 रुपए। और अगला स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए है जिन्हें लगभग ऑलराउंडर टाइप का एक अच्छा सा पैकेज लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी S21 फैन एडिशन। बात करें इस फोन की दोस्तों तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों यहाँ पर आपको एल्युमिनियम की फ्रेम मिलेगी, IP68 रेटिंग के साथ में आता है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले जो कि दोस्तों बहुत कमाल की है, साथ ही साथ आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन दिया गया है, 800 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको टॉप नॉच मिल जाती है। कैमरास की बात करें सो बैक साइड में आपको यहां पर मिलते हैं 3 कैमरा जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ 12 मेगापिक्सल का और यहां पर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूअल पिक्सल टेक्नोलॉजी दी गई है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। सेल्फी की बात करें गाइस तो यहां पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप तो फोन का धमाकेदार है ही, साथ में आपको यहां पर इमेज क्वालिटी भी डे लाइट और लो लाइट दोनों में ही काफी अच्छी मिल जाती है। वैसे आपको यहां पर बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहां पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। और परफॉर्मेंस की बात कर ले गाइस तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है Exynos का 2100 का चिपसेट जो कि दोस्तों 5nm पर बेस्ड है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। हालांकि दोस्तों सैमसंग के स्मार्टफोन गेमिंग के लिए नहीं बने होते तो आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे पावर हाउस की बात करें तो 4500mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जहां पर ये फोन 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 15 वॉट का चार्जर ही देखने को मिलेगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, सो बैटरी मॉड्यूल में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत जल्द मिल जाएगा। सो देखा जाएगा तो ये भी फोन काफी कमाल का है और लगभग आपको यहाँ पर सभी 5G बैंड भी मिल जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पर एक ओवरऑल अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे इस समय 39,999 रुपए। सो अब बात कर लेते हैं उन यूजर्स की जिन्हें यहाँ पर स्टॉक UI के साथ में एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेना है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटो का एज 30 फ्यूजन। ये फोन भी आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिलता है, एल्युमिनियम की फ्रेम लगी हुई है, हल्के फुल्के वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, सो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है।
डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली प्लास्टिक ओलेड पैनल लगी हुई है जो कि 10 बिट के साथ में आती है। डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 1100 नीट्स की ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। सो बजट के हिसाब से डिस्प्ले आपको यहाँ पर टॉप नॉच दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का और साथ ही में आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज काफी कमाल की निकल कर आती है, वैसे लो लाइट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलता है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, फ्रंट से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो 5nm बेस Qualcomm Snapdragon 888+ का चिपसेट यहाँ पर लगा हुआ है और ये स्मार्टफोन भी लगभग 8.5 लाख के आसपास AnTuTu पर स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है। वैसे दोस्तों यहाँ पर भी आपको LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है। बात कर ले फोन के पावर हाउस की तो फोन के बैक साइड में 4400mAh की बैटरी लगी हुई है, 68 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, और गाइस ये फोन एंड्रॉइड 12 पर आता है लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत जल्द मिलने वाला है। और रही बात 3.5mm जैक और कार्ड ऑप्शन की तो वो आपको यहाँ पर नहीं, और इस फोन में आपको 13 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। सो अगर आप यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर टाइप का पैकेज लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 39,999। तो दोस्तों बात कर लेते कि आपको कौन से फोन की तरफ देखना चाहिए। गाइज अगर आप यहाँ पर अच्छे कैमराज और अच्छे परफॉर्मेंस वगैरह ढूंढ रहे हैं तो सैमसंग का गैलेक्सी S21 फैन एडिशन, वीवो का V27 Pro और OnePlus के 11R को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेमिंग वगैरह के लिए कोई पावरफुल स्मार्टफोन ढूंढ रहे भाई तो OnePlus का 11R, iQOO 9 5G और Moto Edge 30 Fusion, ये तीनों ही आपके लिए डेफिनेटली बहुत कमाल के ऑप्शन है। तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।